नमस्कार। अगली खबर रायपुर से आ रही है, जहां छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ ग्राम सेंद्री में आज से 15 वर्ष पहले नक्सलियों ने दो भाजपा नेता बबला साहू व चार भाटा के रामचंद्र सिन्हा की बेरहमी से हत्या कर दी थी। जी हां, आपको बता दें कि इसके बाद से आज तक पीड़ित परिवार को उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली है। जी हां, पीड़ित परिवार डोंगरगढ़ थाना से लेकर राज्य सरकार से गुहार लगा चुका है, लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं मिला। छत्तीसगढ़ राज्य हमेशा से ही नक्सलियों का खौफ रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे नक्सलियों का डर खत्म होने लगा है। सरकार ने भी नक्सल पीड़ितों के लिए पुनर्वास कार्यक्रम बना रखा है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि पुनर्वास सिर्फ कागजों पर चल रही है। आज से 15 वर्ष पूरा डोंगरगढ़ की ग्राम पंचायत सेंद्री के निवासी भाजपा नेता स्वर्गीय बबला साहू एवं चार भाटा ग्राम के भाजपा नेता स्वर्गीय रामचंद्र सिन्हा 2006 में नक्सलियों ने बेरहमी से हत्या कर दी थी, जिसका थाना डोंगरगढ़ में मामला भी दर्ज है। उसके बाद से लेकर आज तक पीड़ित परिवार को मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली, जबकि मृतक बबला साहू का पुत्र धीरेंद्र साहू स्थानीय पुलिस थाना व जिला कलेक्टर राजनांदगांव, जिला पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव को कई बार पत्र लिख चुका है, लेकिन आज तक पीड़ित को इस संबंध में कोई भी जानकारी नहीं मिली है। जी हाँ, आपको बता दें कि पीड़ित परिवार को सरकारी गैर सरकारी कामों के लिए अपने पिता का पोस्टमार्टम रिपोर्ट की आवश्यकता है। त्रस्त होकर पीड़ित धीरेंद्र साहू ने स्थानीय पुलिस थानों में सूचना का अधिकार लगाया, लेकिन यहां भी उन्हें कोई जानकारी अब तक नहीं मिली है। अच्छा, पूरा मामला क्या है बताइए। मामला 2006 का है। मामला 2006 का है। ग्राम सिंधी में बबला साहू को नक्सली द्वारा 31/3/2006 को नक्सली द्वारा हत्या कर दिया गया था। पश्चात डोंगर थाना में मामला दर्ज किया गया था, जिसका मामला दर्ज होने पर डोंगर थाना से संबंधित दस्तावेज अपना पोस्टमार्टम की कापी, FIR की कापी और अन्य दस्तावेज अभी तक आप प्राप्त है, जिसके लिए मैं राजनांदगांव SP, राजनांदगांव कलेक्टर, मुख्यमंत्री, शासन प्रशासन को लेटर लिखते रहा, लेकिन लेटर के जवाब में तक कोई जवाब नहीं दिया गया, जिसके फलस्वरूप मैं 2 महीना पहले सूचना के अधिकार के तहत डोंगर थाना में जानकारी मांगा गया, लेकिन सूचना के अधिकार के तहत अभी तक डोंगर थाना को जानकारी नहीं दिया गया। के मामले में बताइए। ये वही नक्सल प्रकरण है, काफ़ी पुराना है। अपराध क्रमांक 87/06 धारा 147, 148, 349, 302 भादावे और 25/27 काम किया गया, जिसमें आवेदक ने सूचना के अधिकार में आवेदक धीरेन्द्र कुमार साहू ने सूचना के अधिकार में जानकारी मांगी थी, क्योंकि काफ़ी पुराना हो चुका है, इसको पूर्व में दिया जा चुका है। उसके बाद हम इसका प्रयास कर रहे हैं कि इसकी जानकारी हमको मुझे तक उपलब्ध करा। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।